हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 6, यानी उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उनके विकास के साथ मूल रूप में विकसित हुए, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको आवश्यकता के अनुसार मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जोड़कर बना लिया गया। इन मूल शब्दों में कुछ शब्दों के शुरुआत में और कुछ शब्दों के अंत में कुछ शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनाए गए। इनमें शुरू से जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन शब्दों के साथ जुड़कर नए सार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे सु प्लस गंध सुगंध, उप प्लस देश उपदेश, सम प्लस न्यासी सन्यासी, प्र प्लस बल प्रबल। उपयुक्त शब्दों में गंध देश न्यासी बल शब्दों से पहले क्रमशः सु उप सम व प्र शब्दांशों के जुड़ने से नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। ये ही उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। उप का अर्थ होता है पास या निकट, और सर्ग का मतलब है रचना या निर्माण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अब सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, यानी जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। संस्कृत यानी जो मूल भाषा है या मूल शब्द जिससे आए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। सबसे पहला उदाहरण या उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव, और इसके उदाहरण है अज्ञात असत्य अनीति। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण उपसर्ग उप, जिसका अर्थ है निकट या समान। उदाहरण में देखेंगे उपहार उपचार उपकार उपवन। यानी जब किसी के समान बताया जाता है, किसी के निकट बताया जाता है, तो वहाँ पर उप का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार तीसरा उपसर्ग है अप, यानी कि बुरा या गलत। जैसे अपवाद अपव्यय अपहरण अपयश। अगला आ, जिसका मतलब है सहित या पूर्ण। जैसे आक्रमण आकंठ आगमन या आजन्म। अगला उपसर्ग है उत, जिसका मतलब होता है ऊंचा। उदाहरण उत्तम उत्थान उत्कर्ष और उत्साह। अंतिम या अगला उपसर्ग है अभी, जिसका मतलब होता है सामने या निकट। इसके उदाहरण देखेंगे अभियान अभिषेक अभिशाप और अभिलाषा। अगला उपसर्ग अनु, जिसका मतलब है समान या पीछे, यानी किसी के पीछे बताना हो, किसी के समान कंपेयर करना हो, वहाँ पर अनु लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे अनुसार अनुवाद अनुकरण अनुरूप अनुज। अगला उपसर्ग है अधि, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊंचा। इसके उदाहरण है अधिपति अध्यादेश अधिनायक अधिकार। अगला उपसर्ग अति, यानी बहुत अधिक जब बताना हो किसी चीज़ को, तो अति शब्द लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे अत्यधिक अतिरिक्त अत्यंत। अगला उपसर्ग है वी, यानी भिन्न या विशेष। जैसे उदाहरण देखते हैं विकार विभिन्न विदेश या वियोग। अगला उपसर्ग सम, जिसका अर्थ है संयोग या जुड़ना। उदाहरण संकल्प संदेह संतोष या संभाव। अगला उपसर्ग दुह या दुर, जैसे अर्थ इसका है बुरा या कठिन बताने के लिए, और उदाहरण है दुर्दशा दुर्गुण दुराचार दुष्चरित्र और दुर्बल। अगला है परि, यानी चारों तरफ का संकेत करने के लिए, चारों तरफ बताने के लिए। जैसे परिपूर्ण परिक्रमा परिचय परिवर्तन परिणाम। इसी प्रकार अगला है प्रति, यानी सामने हरेक या उल्टा, इसका अर्थ होता है, उसके उदाहरण है प्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रतिकूल और प्रत्येक। अगला उपसर्ग है हमारा प्र, इसका मतलब होता है आगे या ज़्यादा बताने के लिए। उदाहरण जैसे प्रताप प्रगति प्रचार प्रस्थान
प्रयोग और प्रसार। अंतिम उपसर्ग है नी, यानी निषेध बताना हो, मना करना हो या फिर निपुणता बतानी हो, उसके लिए नी शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्दांश का। इसके उदाहरण है नियम, निकृष्ट, निवास और निवारण। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, यानी जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, या जो संस्कृत से बिगड़कर बने हैं वो तद्भव है, और ऐसे शब्दांशों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहला उदाहरण है नि, यानी रहित के अर्थ में, जैसे निहत्था, निठल्ला, निपुण या निडर। अगला अ, जिसका मतलब होता है अभाव, जिसका उदाहरण देखेंगे अचूक, अद्भुत, अनमोल। इसी प्रकार कु, जो बुरा के अर्थ में लिया जाता है, जैसे कुचाल, कुटिल, कुकर्म, कुपुत्र, कुसंगति। इसी प्रकार स या सु, जिसका मतलब होता है साथ या अच्छा, जैसे सरस, सगुण, सुनीति, सुसंस्कृत। अगला उपसर्ग है भर, जिसका मतलब होता है पूरा, जैसे भरपाई, भरपूर, भरपेट या भरसक। अगला अन, जिसका अर्थ है निषेध या मना करने के अर्थ में, जैसे उदाहरण अत्युत, अचूक। सॉरी, अन के ये दोनों नहीं है, अगले जो दो शब्द हैं केवल वही इसके अन के उदाहरण है, जैसे अनमोल और अनजान। पर, जो अगला उपसर्ग है उसका अर्थ होता है दूसरा, जैसे परलोक, परहित, परवश और परोपकार। अगला है अध, यानी आधा, जैसे अधमरा, अधपका, अधखिला, अधकचरा। और अंतिम उपसर्ग है उन या ऊन, इसका मतलब होता है कि एक कम, संख्या में एक कम बताने के लिए, जैसे 19, यानी 20 से जस्ट पहले, 20 में एक कम तो 19, 30 में एक कम 29, 40 में एक कम 39। तो ये थे हिंदी के उपसर्ग। अब देखेंगे उर्दू के उपसर्ग, जिन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी भाषा है, हमारे देश की भाषा नहीं है, दूसरी जो दूसरे लोग यहाँ आकर बसे थे उनकी भाषाओं से आए शब्दों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहला उदाहरण है उपसर्ग का ब, जिसका मतलब होता है साथ, जैसे उदाहरण में देखेंगे बखूबी, बतौर, बदौलत, बनाम। अगला बद, जिसका मतलब होता है बुरा, जैसे बदसलूकी, बदनाम, बदतमीज़, बदहजमी आदि। अगला उपसर्ग है बा, जिसका भी मतलब होता है साथ, जैसे बाकायदा, बाइज्जत। अगला उपसर्ग है ना, यानी नहीं के अर्थ में जिसे लिया जाता है, जैसे नादान, नापसंद, ना समझ, ना उम्मीद। अगला उपसर्ग है बे, जिसका मतलब होता है बिना, यानी किसी चीज़ के बिना अगर बताया जाता है तो वहाँ बे का प्रयोग करते हैं, जैसे रहम के बिना बेरहम, ईमान के बिना बेईमान, बिना चारा यानी बेचारा, दाग के बिना बेदाग। इसी प्रकार एन, यानी ठीक एकदम से, जैसे बिल्कुल सही समय पर हो, उसके लिए एन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन वक्त, एन मौका। इसी के साथ अगला है कम, जिसका मतलब होता है थोड़ा, यानी कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र, यानी जिसकी उम्र कम हो, अक्ल कम हो या जोर यानी ताकत कम हो, उसके लिए कम लगाकर बताया जाता है। अगला उपसर्ग है खुश, जिसका मतलब है अच्छा, जैसे खुशबू। अबू जो है गंध है, जो है वो खुश यानी अच्छी है, तो उसे खुशबू कहते हैं। इसी प्रकार खुशनुमा, खुश दिल और खुशहाल। अगला उपसर्ग है गैर, यानी कि भिन्न या अलग, जैसे गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदारी। ये थे उर्दू के उपसर्ग। अब देखते हैं उपसर्ग के भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे काल, चाहे वचन, चाहे लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। जिन्हें बदला नहीं जा सकता वे अव्यय हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जिन्हें उपसर्ग की भांति भी प्रयोग में लाया जाता है, वे ऐसे अव्यय उपसर्ग अव्यय कहलाते हैं। जैसे उसका उदाहरण है बहिर, यानी कि जो बहिर शब्द है
उपसर्ग जो शब्दांश है उसे, उसका अर्थ होता है बाहर, और यह किसी भी लिंग के साथ में, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, काल कोई भी हो, वर्तमान, भविष्यकाल या फिर भूतकाल या फिर वचन, एकवचन, बहुवचन, इनके अनुसार इसका रूप नहीं बदलता, ये बहिर है, बहिर ही रहता है, तो इसलिए ये उपसर्ग है, अव्यय है। इसको उपसर्ग के जैसे प्रयोग कर रहे हैं इसलिए उपसर्ग अव्यय है। अब इसके उदाहरण देखेंगे, बहिरंग, बहिर्गमन, बहिर्मुख। अगला उदाहरण है सत्, जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सत्कार, सत्जन, सद्भाव, सत्पुरुष। अगला उपसर्ग है सह, यानी जिसका अर्थ होता है साथ बताने के लिए, जैसे सहोदर, सहगान, सहयोग, सहपाठी और सहचर। अगला उपसर्ग पुनर, यानी कि फिर, यानी दोबारा जब हो तो फिर के अर्थ में, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। इसी प्रकार पूरा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन, इससे उदाहरण है पुरातन, पुरावृत, पुरातत्व। अगला अंत या अंतर, जो कि अंतर या भीतरी या अंदर का बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे अंतपुर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। यहाँ अंतपुर उसे कहा जाता है जो महल का भीतरी भाग होता है, जहाँ पर स्त्रियों के लिए ही रहने का ही स्थान होता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के अंदर जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों में डिफरेंस है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश के अंदर होने वाला, और अंतर्राष्ट्रीय यानी अन्य राष्ट्रों के साथ में होने वाला। अंतरात्मा यानी कि व्यक्ति की जो आंतरिक आत्मा है उसके बारे में प्रयोग लाया जाता है शब्द। अंतिम उपसर्ग है अधस, यानी कि नीचे की तरफ बताने वाला, नीचे के अर्थ में, जैसे अधः पतन, यानी पतन कहते हैं गिरना को, तो कहाँ गिरना, यानी अधः नीचे की ओर। इसी प्रकार अधोगति, जिसका अर्थ है गति नीचे की ओर होना। इसी प्रकार अधोमुख, जो नीचे की ओर हो। तो इस प्रकार ये ऐसे अव्यय हैं जिनको उपसर्ग की भांति प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा उपसर्ग शब्द उप और सर्ग दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। उपसर्ग के चार भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय।